कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा की क्वालिटीज को बताते हुए लिखा है कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी में निहित है और उनके वेलफेयर में राजा अपना कल्याण समझता है। कहने का अर्थ है कि गुड गवर्नेंस हो तो राजा को खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस जनता की खुशी में बसती है। लेकिन गुड गवर्नेंस होता क्या है, आज इसे समझेंगे। आप सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम है अंजुम शर्मा। गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो 1990s में ज्यादा जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है, जब वर्ल्ड बैंक की दो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। पहली सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, और दूसरी रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये दो रिपोर्ट हैं जहां पर गुड गवर्नेंस के कई पहलुओं पर चर्चा की गई थी। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ बातें पहले से थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने भी सुराज की अवधारणा सबके सामने रखी थी। कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस को समय ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। गुड गवर्नेंस का मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट की अवेलेबिलिटी होती है जिसमें सारे सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन के हों, अपनी पूरी कैपेबिलिटी का, अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। सुशासन का उद्देश्य अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को इफेक्टिव और बराबरी की पब्लिक सर्विसेज प्रदान करना होता है। अगर आप गुड गवर्नेंस के करेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें 8 बातें आती हैं। सबसे पहली है भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कैसा? सबका, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी हो या अनरिजर्व्ड हो, सबका बराबरी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। इसके लिए कानूनी ढांचे की जरूरत होती है और कानूनों को अनबायस्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका और ईमानदार पुलिस फोर्स की जरूरत होती है। तीसरा है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब है कि डिसीजन लेने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरह के रूल्स को अनदेखा न किया जाए, यानी रूल्स को तोड़ा ना जाए, अपने काम नियमों के अनुसार किए जाएं, अपने पोस्ट का दुरुपयोग न किया जाए और ईमानदारी का परिचय दिया जाए। चौथा है रिस्पॉन्सिव यानी प्रतिक्रियाशील होना, यानी सुशासन के तहत सभी इंस्टीट्यूशंस एक टाइम फ्रेम में रहकर सभी स्टेक होल्डर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रयास करें। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है कंसेंसस ओरिएंटेड होना यानी सर्वसम्मति उन्मुख। एक सोसाइटी में अलग अलग नजरिए मौजूद होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद होते हैं, इसीलिए डिबेट्स भी होती हैं। गुड गवर्नेंस सोसाइटी के अलग अलग इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग पर बल देता है। इससे कंसेंसस ना सही तो कंसेंसस ओरिएंटेड होकर कम्युनिटी या सोसाइटी के इंटरेस्ट में जो हो उसे प्राप्त किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव यानी समानता और समावेशी। गुड गवर्नेंस के तहत सोसाइटी के सभी मेंबर्स को ये लगना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं है, बल्कि वो उसी का एक हिस्सा है और उन्हीं से वो समाज बनता है। सातवां है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यानी प्रभाविता और दक्षता। इसमें रिसोर्सेज का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाना शामिल है। नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी सुशासन की सबसे अहम और बेसिक नीड है। न केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बल्कि प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज भी जनता के प्रति अकाउंटेबल होने चाहिए। तो ये वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें 3-4 बातें घूम फिर कर सामने आती हैं, जैसे लोकाचार जिसे अंग्रेजी में इथोस कहते हैं यानी नागरिकों के प्रति सेवा। दूसरी है नैतिकता जिसे मॉरालिटी कहते हैं। तीसरा है इक्वालिटी यानी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। और चौथा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप देखेंगे तो यही 4 बातें घूम फिर कर सामने आती हैं, यानी ये वो तरीके हैं जिससे समाज को सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए या की जा सकती हैं। यही है सुशासन, यही है गुड गवर्नेंस। भारत में गुड गवर्नेंस के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जैसे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां लोगों का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे विमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। 90s में सिटीजन चार्टर की भी बात उठी थी। इन सब की समीक्षा के लिए कुछ कमीशन्स गठित किए गए, लीगल रिफॉर्म्स हुए, कंप्यूटराइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल और नागरिक प्रणाली की शुरुआत की गई, SC/ST के लिए जो ज्वाइंट कमीशन था उन्हें अलग अलग किया गया,
इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। सुधारों के लिए कमिटीज फॉर्म की गई। आरटीआई एक्ट 2005 लागू किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस आया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत तक हुई, यानी इन्फॉर्मेशन के डिजिटाइजेशन और सेवाओं में सुधार के लिए बहुत सी योजनाएं लाई गईं। कह सकते हैं कि सरकार ने समय समय पर अपने तरह से प्रयास किए, लेकिन फिर भी करप्शन, जेंडर डिस्पैरिटी, रेड टेपिज्म, जस्टिस में देरी होना, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी तक बने हुए हैं। इन सब के लिए गवर्नेंस की फंक्शनिंग इफेक्टिव हो, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नेंस को नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक बनाए जाना गुड गवर्नेंस की सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये थी पूरी जानकारी गुड गवर्नेंस के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स और कुछ चैलेंजेस के बारे में भी। अगर आपको लगता है कुछ और टॉपिक्स पर हमें इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए तो वो टॉपिक्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस हम सुबह से शाम तक जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर लाते रहते हैं। अगर आप सिविल शैली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, बहुत ख्याल रखिए, अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा और अपने हाथों को धोते रहिएगा। शुक्रिया।